कहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है? सो देखिए, गुड़गांव एरिया बहुत है, बड़ा है, और जितना एरिया आपने देखा उससे ट्रिपल है बड़ा। 40,000 से ज्यादा वहाँ पर सैंपल है, और गिनती की 40 सैंपल से हम आपको अंदाजा देंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करके चेकआउट कर लेना है। ओके, एक बार मिक्स साड़ियाँ देखेंगे, पैठनी भी है, पटोला भी है, कांजीवरम भी है, सिल्क भी है, बनारसी भी है, मिक्स कलेक्शन होगा। जस्ट अंदाजे के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी। सम पेस्टल कलर आई एम गोना स्टार्ट विद। एज यू कैन सी दिस साड़ी, दिस इज नोन एज अ काठपदर साड़ी, काठपदर पैठनी साड़ी। ओके, ये डिसेंट कलर है। यूजुअली जो ट्रेडिशनल कलर्स होते हैं ना, वो डार्क कलर मैचिंग होते हैं। ओके, हैवी कलर मैचिंग होते हैं। ये हमने थोड़ा पेस्टल कलर मैचिंग बनाया है, और इसी में एक और बहुत सुंदर सा कलर है। एज यू कैन सी, इसकी बॉर्डर बहुत रिच है, हैवी है। ये पैठनी साड़ी है। पैठनी मोस्टली जो पैठनी साड़ियाँ हैं वो कैसे पहचानी जाती है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी मोर यानी कि पिकॉक की आकृति होती है, पैरट की आकृति होती है, देन ऐसे अनइवन से जो चिन्ह होते हैं, ऐसे पोचमपली चिन्ह जिनको कहते हैं, हल्की सी वैसी साड़ियों में होती है। ये देखिए, यहाँ पर ये मिडल बॉडी का पोर्शन है, ये प्योर पैठनी कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। नेक्स्ट पैटर्न, अब ये सर थोड़ी फ्यूजन है ना, व्हाई डिड आई से फ्यूजन, ये कपड़ा, ये जो फैब्रिक है ना, आज से सर कई सालों पहले, लगभग 30-40 सालों पहले ये फैब्रिक यूज होता था महाराष्ट्र में एज अ ब्राइड, जिसको कहते थे शालू, शालू शालू ये कपड़े का नाम था। ओके, शालू, और ये जो डिजाइन इसके ऊपर बनी है ना जरी की, ये है बनारसी डिजाइन। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, शालू सिल्क का फैब्रिक ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी को कर दिया मर्ज। क्या मास्टरपीस बना दिस, ये आप देख सकते हैं। वी हैव रियली ब्यूटीफुल कलर्स इन दिस, वी हैव येलो कलर, वी हैव रेड कलर, वी हैव ग्रीन कलर, वी हैव पिंक कलर, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स है। 4 का 6 का 8 का कलर चार्ट होता है, जिसमें आपको मिक्स ऑर्डर करना होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक और बनारसी कॉन्सेप्ट की साड़ी, ट्रू मास्टरपीस, इसमें भी कलर ऑप्शन है। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक्चुअली ये वीडियो होलसेल के लिए है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको ये साड़ी दिखाना या ये साड़ी दिखाना या ये साड़ी नहीं, एक जस्ट अंदाज़ा, एक आइडिया देना है कि ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको खुद एक बार चेकआउट कर लेना है। कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू घर पे ऑर्डर कर सकते हैं आराम से, प्लस वीडियो कॉल पे खरीद सकते हैं। इस चीज़ की 100% श्योरिटी, जो देखेंगे वही मिलेगा। वन मोर ब्यूटीफुल मास्टरपीस ओवर हियर, एज यू कैन सी सर। अब इसके अंदर पता है क्या खासियत, यह है बनारसी साड़ी। मैं एक बार आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। दिस इज़ द फुल लुक ऑफ साड़ी, बनारसी साड़ी, राइट, नॉर्थ इंडिया में यही कहेंगे, ये है बनारसी प्योर बनारसी। बट देयर इज अ बिट ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, अगर इसी साड़ी को, इसी साड़ी को मैं महाराष्ट्र में लेकर जाऊंगी, और हमारे महाराष्ट्र, बिंग महाराष्ट्र में, मैं मराठी में, मराठी मुलगी हूँ, राइट, सो बिंग महाराष्ट्र में, अगर मैं महाराष्ट्र में लेकर जाऊंगी और इसी साड़ी को कहूंगी दिस इज काठपदर, मानेंगे। रीजन बताती हूँ, काठपदर मीन्स क्या होता है, काट मीन्स बॉर्डर, पदर मीन्स पल्लू। काठपदर एक कलर का होता है, मिडल बॉडी होती है, टोटल कॉन्ट्रास्ट, ये एक कलर है, कंट्रास्ट लाल रंग है, ये हो गई काठपदर। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ऐसी बनारसी होती है, तो भाई हमारा ये भारत, हमारी बहुत सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंट आ गया। हमारा देश सांस्कृतिक देश है, हमारे यहाँ पर जैसे नाम सुना होगा पाटन की पटोला, गुजरात में है, सिर्फ वही पटोला साड़ी को आप तेलंगाना में लेकर जाइए या तमिलनाडु में लेकर जाइए, उसको कहेंगे पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, बिल्कुल। सो इट्स ऑल अबाउट आवर लैंग्वेज, आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर। सो हमारा देश काफ़ी वर्सटाइल है, काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। सो ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं जो हमारे पूरे भारत में चल सके, और ये इसको कहते हैं घरचोला। जैसे कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, उसमें से घरचोला गाया मैंने कई बार। यस, दिस इज द घरचोला सर। इसका प्रोनाउंसिएशन कोई घरचोला करता है, कोई घरचोला, कोई घाटचोला, कोई घरचोला, सो इट्स लाइक प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी होता है। ट्रेडिशनली इट्स घरचोला, हाँ। नाउ दिस इज रियली प्रिटी साड़ी, रनिंग पूरा 36 का कट आता है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सिर्फ साड़ी ना दिखाऊँ, उसकी थोड़ी हिस्ट्री या उसके बारे में भी आपको बताऊँ, ताकि जब आप कस्टमर्स को सेल आउट करेंगे तो भाई पता तो होना चाहिए हम क्या बेच रहे हैं। बिल्कुल, बीइंग अ सेल्समैन, क्योंकि सामने से कोई पूछ ले और हमें ना पता हो तो ऐसा तो ऑकवर्ड सिचुएशन आप लोगों को फेस करना पड़े। वो तो ठीक है, लेकिन देयर इज वन फैक्टर, जब कस्टमर खरीदता है ना अच्छी चीज, तो उनके अंदर एक फैक्टर होता है, फील गुड फैक्टर। बिल्कुल, क्यों 1 लाख का लहंगा बिकता है, क्या वो लहंगे में 1 लाख जैसा होता है, जो भी पैसे होते हैं फील के होते हैं। इट्स ऑल अबाउट फील, इट्स ऑल अबाउट फील गुड फैक्टर। सेम साड़ी में भी होता है, अगर साड़ी में खासियत है तो भाई जो पहनने वाला है उसको भी तो पता रहे कि क्या खास है इस साड़ी में। सिर्फ कलर डिजाइन से कपड़ा नहीं हमें बेचना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा पता करें, उसके ट्रेडिशन के बारे में पता करें, देन वी आर गोना सेल इट। सो इससे कस्टमर का ट्रस्ट, आप पर्सनल एक बॉन्ड बना सकते हैं कस्टमर्स को बेचते वक्त। जैसे एज यू कैन सी दिस प्रिटी साड़ी,
नाउ इसके अंदर हमने इस्तेमाल, बिकॉज ये लाल रंग है इसलिए प्रॉपर विजिबल नहीं, आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज अ कॉपर जरी, दिस इज नॉट अ गोल्ड जरी, दिस इज अ प्रॉपर जरी, कॉपर शाइन गोल्ड की आ रही है लेकिन हाँ. अब ये चीज लाल रंग में ऐसी दिख रही है, यही चीज डार्क कलर में ऐसी दिखती है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा. ये इसके साथ पूरा कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, ये कॉपर जरी है. एज यू कैन सी इट्स वेरी प्रिटी. नेक्स्ट पैटर्न अगेन घरचोला सिल्क, बट ऑन अ डोला सिल्क, ऑन डोला सिल्क बिल्कुल. ये देखिए डोला सिल्क फैब्रिक है, अगेन वेरी प्रिटी. सर एक काम करते हैं, हम ये साड़ी का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं. बिल्कुल, कैसे? लेट्स डू इट. थोड़ा ओपन किया, ठीक है, एंड यहाँ से ये बैक साइड ओपन करती है. ये आप देखिए, ओके, दिस इज बैक साइड, ये पल्लू आ गया अपना. हाँ, ये पल्लू का पोर्शन, ठीक है. एंड यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये पूरा जैकार्ड वीविंग का काम है, ठीक है. हाँ, ये पूरा जैकार्ड और वीविंग का काम होता है. एंड सर इसमें पॉलिस्टर मिक्स नहीं होता, ये ओरिजिनल सिल्क की साड़ी है. ओरिजिनल सिल्क की साड़ी है, ओरिजिनल एक्सपेंसिव भी होती है क्वाइट एज कंपेयर्ड रिटेल काउंटर पे. बिल्कुल. और इसमें बिल्कुल सर, कैसे, मैं कुछ दिनों पहले एक्चुअली नाम बताऊं नहीं बताऊं, आई एम कंफ्यूज्ड, नाम नहीं बताना चाहिए. हाँ ठीक है, ओके. मैं कहीं वेडिंग अटेंड करने के लिए गई थी फ्रॉम गुजरात टू समवेयर एल्स, ठीक है, मेरी फ्रेंड की शादी. नाउ मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया और बातों बातों में उसने कहा बिकॉज उसकी शादी है और एज अ फ्रेंड उस शेयर किया कि यार मैंने अपने शादी के लिए मेरे बनारसी खरीदी जो 35,000 की थी. बिल्कुल ठीक है, 35,000 माइके के साइड से, और ससुराल के साइड से जो बनारसी ली वो 65,000 की है. सो नाउ आई मीन टेक्सटाइल फील्ड, राइट, सो मुझे आइडिया है कि या तो साड़ी में या तो हैंडवर्क वाली होनी चाहिए या तो सोने चांदी के जरिए होने चाहिए, थोड़ी बहुत ये दो चीज़ें होनी चाहिए तो वो इतनी वर्थ इट है. अब जब मैं उसकी वेडिंग अटेंड करने गई, मैंने उसकी साड़ी देखी, सर वो सूरत में बना हुआ माल था जो उसके शहर में उसने बड़ी किसी शॉप से इतने महंगे में खरीदा. बिल्कुल, नो डाउट, बेचना गलत नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट फील गुड फैक्टर. वो दुल्हन को वो साड़ी पहन के ऐसा लग रहा है, और आप खुद आइडिया लगाएगी जो साड़ी आप लोगों को इट्स ऑल अबाउट योर लोकेशन 6,000-7,000 में मिल सकती थी सर, इससे भी कम, ज्यादा, हाँ ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज हैवी थी, बहुत हैवी थी, ज्यादा से ज्यादा 3,500. मैम ने 35,000 या 32,000 का कुछ है ना, उसने 35,000 में खरीदी. हाँ, एंड ससुराल वालों की साड़ी तो मैं नहीं देख पाई बिकॉज वो मार्जिन आप देख सकते हैं खुद, बट दैट इज द मार्जिन ऑफ रिटेलर. और ऐसा कैसे कमा पाए, तो भाई अगर आप भी कमाना चाहते हैं, बड़ा शोरूम है आपका, लोकेशन आपकी जगह, ब्रांड एकदम वेल नोन है, डेफिनेटली यू शुड चेक दिस साड़ीज. ये बहुत, क्योंकि ये सर ये ओरिजिनल कपड़ा है ना, इसमें पॉलिस्टर मिक्स नहीं है, ये पॉली मिक्स साड़ीज नहीं है, ये प्योर कपड़ा है, ठीक है. जैसे आप कपड़े में नो डाउट वैरायटीज आती है, कोई डोला सिल्क होता है, कोई टसर सिल्क होता है, कोई पेपर सिल्क होता है, बट हाँ पॉलिस्टर मिक्स नहीं, ओरिजिनल. बिल्कुल, यस. तो क्या दिस, नाउ दिस इज सर वेरी सॉफ्ट. सर ये साड़ी की खासियत क्या पता है, दिस इज वेरी सॉफ्ट सिल्क साड़ी. ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसे फोल्ड कर लिया, और कोई भी नई साड़ी हो आप उसे ऐसे तो फोल्ड नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज वेरी सॉफ्ट सिल्क साड़ी, लेट्स ओपन दिस अ बिट, ठीक है. अब सर जैसे आप मुझे ध्यान से देखेंगे ना, सो आई एम बिट चबी, ओके, मैं थोड़ी गोल मटोल हूँ, तो जब मैं अपने लिए साड़ी खरीदूंगी मैं कैसे खरीदूंगी, फ्लफी ना हो, जो फूले स्लिम फिट हो, जो फूले नहीं, जिसकी प्लीट्स यहाँ से ना फूले, जिसकी प्लीट्स जो नीचे वाली प्लीट्स है वो ना फूले, ये वो कपड़ा है. बिल्कुल, मतलब बॉडी के साथ एकदम चिपक जाए. हाँ, ये वो कपड़ा है. अब इसमें डिजाइन आती है, इसमें जरी आती है, जैसे ये देखिए ये भी उसी का एक पैटर्न है, इसके बाद ये तो भी हम उसी जल्दी का जल्दी कवर करते हैं. हाँ, हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, कम से कम टाइम लेके ज्यादा ज्यादा कलेक्शन दिखा पाए. और जैसे मैंने कहा हम भले 2-4 साड़ियां भी देख पाए, लेकिन वो साड़ी के बारे में बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ध्यान में रहे भाई बेचना बताना अच्छी होनी चाहिए, सिंपल, आप कुछ सीख पाए. कपड़ा तो आप आके खुद भी ले लेंगे, राइट, उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत है, प्रेजेंट कैसे करना है सेलिंग पर्पस के लिए, आप लोगों को इन चीजों पे थोड़ी हिस्ट्री पता हो तो बेटर, ताकि गुड सेल्समैन के पास नॉलेज होता है, दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू, ओके, बिकॉज़ आई एम, इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम आई एम लिविंग इन दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो मुझे आइडिया है कि हमारे रिटेलर्स बहुत, क्योंकि सर ये बिजनेस ही ऐसा है, ये कपड़ा व्यापार ही ऐसा है, जो घर से जो लेडी बेचती है वो कम से कम 20-30% कमाती है घर से, छोटे सिरे से, ठीक है, तब उनका ज़्यादा खर्चा नहीं होता ना, जो लाइट बिल है, जो घर का आना है वही आना है, जो भाड़ा घर का है या खुद का घर है, जो है वो है. दुकान वाले कम से कम 30-50% मार्जिन, कम से कम कह रही हूँ, छोटे मोटे दुकान वाले गली नुक्कड़ के पास रहते हैं, बड़े शोरूम वाले कम से कम 200-300% रखते हैं. सो देयर इज़ टू मच मार्जिन, जो मैं
तो चाहती हूँ कि आप भी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए जुड़े। टोटल डिसीजन आपके ऊपर है, वो मार्जिन उन लोगों को ही कमाना है या आप लोगों को भी कमाना है। यस, सो डू कॉन्टैक्ट हियर। मिनिमम 15,000 से 20,000 का आपको पन्नी का इंडिया से खरीदना पड़ेगा, जिसमें टोटली यू कैन ऑर्डर मिक्स, थोड़ी साड़ी, थोड़ा कुर्ती, थोड़ा लहंगा, थोड़ा गाउन। एक चीज साथ साथ क्लियर कर लेते हैं, जो लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं उन लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, प्राइस तो बता नहीं रहे, क्या फायदा? राइट, तो मैम कुछ तो जवाब दो। ओके सर, यही कारण है। देखिए, मैं अगर ये सिंगल पीस आपको दे रही होती ना, डेफिनेटली मैं बताती, लेकिन हमारे जो ऐसे कस्टमर जिन्होंने ये माल ले लिया है ना, उनकी वजह से मैं बंधी हुई हूँ। और जब आप ये माल ले लेंगे तो भी आप उन्हीं की तरह जवाब देंगे, मत बताइए हमें बेचने में दिक्कत आ रही। सर, यही साड़ी सोशल मीडिया में बहुत महंगी में बिक रही, बिकॉज दैट इज अ रिटेल प्राइस, राइट? मैंने अपनी बातों बातों में एक किस्सा शेयर करा, जैसे 35,000 की साड़ी जो कि यहाँ पे 6,000 से भी कम में मिल सकती है, मत बेचिए बोले 35,000 में, दैट वाज लाइक उनकी प्लेस, राइट? मैं फ्रॉम हियर टू देयर आई वेंट देयर, तो कपड़ा बिल्कुल यहाँ बन के वहाँ जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब लगता है, रिटेल प्राइस जाएगी। मैम खुद सोचो, इतनी थोड़ी लग जाएगी। सो इट्स अबाउट प्लेस, राइट? उन्होंने बहुत ब्रांडेड प्लेस से खरीदा, इट्स ऑल अबाउट प्लेस, राइट? सो आपकी अगर लोकेशन अच्छी है, आप मार्केट एरिया में, रिच वीआईपी एरिया में कपड़ा बेच रहे हैं, गुड, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, बेचिए। जैसे बिजनेस किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए होता है, बिल्कुल कीजिए। पन्नी का इंडिया के साथ जुड़कर साड़ी, कुर्ती, लहंगा, गाउन, चार चीज़ें मिलती है, लेकिन क्वालिटी में अच्छा माल चाहिए। 35 रुपये की साड़ी यहाँ नहीं मिलेगी, आई एम रियली सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, वी ओनली बिलीव इन क्वालिटी। 35 में कुछ नहीं मिलेगा आपको, दैट इज पोछा भी नहीं। 35 में आप पोछा लेने हैं, रुमाल लेने हैं, तो अच्छी क्वालिटी का वो भी नहीं। मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि सूरत में ऐसा मिथ है कि 35 की साड़ी मिलती है जो है, लेकिन वो बचा हुआ कपड़ा होता है जिनका हम पोछा भी नहीं लगा सकते, लाइक हम शॉर्ट पैटर्न होते हैं, साइज में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप उसके वो कपड़े के ऊपर चावल डाले तो वो चावल भी नीचे गिर जाएगा। आप लोगों के मन में क्लियर से एक मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, कोई चीज सस्ती है तो रीजन होगा क्यों, और कोई चीज महंगी है तो क्यों महंगी है? देखिए सर, सस्ता भी लोग बेच रहे हैं। मेरा एक और पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। मेरे घर पे ना कुछ टाइम, मैं महाराष्ट्रियन गर्ल जैसे मैंने कहा, सो हमारे घर पे ना मेहमान आए थे, रैंडम कभी कभार मिलते हैं ना वो मेहमान आते हैं, तो ये जस्ट सो हमारे में कैसा पहली बार आते हैं तो साड़ी देते हैं, लेने देने वाला है साड़ी जो होता है ना। सो मेरी मम्मा झट से गए पीछे किसी सोसाइटी में और वहाँ से साड़ी लेकर आए, बिकॉज घर में उस वक्त अवेलेबल नहीं थी नई साड़ी। सो शी जस्ट वेंट और उन्होंने 200-250 रुपये की कुछ साड़ी थी लेकर आ गए और चला दी, हमारे में चलाना कहता, तो साड़ी चला दी और मेहमान चले गए। फिर आफ्टर अ वाइल मेरी दीदी घर पे आई, तो दिवाली में दीदी के लिए, शी इज़ मैरिड, दीदी के लिए साड़ी लेनी है, तो मम्मा इस बार वो आंटी के पास नहीं गए, मम्मा मार्केट लेकर गए, दीदी के पसंद की साड़ी ली, एंड देट वॉज एक्सपेंसिव। तब मेरे मन में ख्याल आया, मम्मी वहाँ क्यों नहीं गए इस बार, वहाँ क्यों गए? कारण ये था, आंटी के पास तो वेराइटी ही नहीं है, कस्टमर वही है, 200 की साड़ी भी ली और 2,000 की साड़ी भी ली, लेकिन आंटी के पास वैरायटीज नहीं है, तो कस्टमर को क्या मिलेगा? अब आप लोगों के सामने मैम ने एक सिंपल सा क्वेश्चन रख दिया कि वैरायटी अगर नहीं होगी तो आप लोगों का सेल क्या होगा? एक ही पर्सन 200 की चीज भी खरीदता है, 2000 की भी खरीदता है, 1500 की भी खरीदता है, 1000 की भी खरीदता है। बिल्कुल, गिव देम ऑप्शन, तब जाके आप सेल आउट कर सकते हैं, और बिजनेस ऑप्शन पे ही चलता है। 100% में से 100% बिकने का वेट नहीं करना है, 100% में से 60% या 50% माल बिक जाए, नया ऐड ऑन करते रहना है। पुराना स्टॉक, पुराना तो नहीं होता है, पुराना स्टॉक और नया स्टॉक को मिक्स करके फिर कस्टमर को देना होता है, जल्दी पिक होने के चांसेस होते हैं। सो ऐसे ही बिजनेस, अगर आपको जानकारी चाहिए, खरीदना ना खरीदना आपकी इच्छा, बिजनेस की जानकारी चाहिए तो पन्नी का इंडिया आइए और बिजनेस सीख कर जाइए। इसी के साथ वीडियो करते हैं सब, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कलेक्शन, नई वैरायटी के साथ, सिर्फ पन्नी का इंडिया पे।